ओके, आज के लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस करूंगा ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर को। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ओएसआई मॉडल का बेसिक आइडिया दिया था कि ओएसआई मॉडल को डेवलप कब किया गया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम को डेवलप किया था और क्यों डेवलप किया था। तो ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किए थे। तो आज हम आपसे आगे की बात करेंगे कि यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क क्या है, सेवन लेयर आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो जो हमारे पास में सेवन लेयर ओएसआई सिस्टम है वो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी और आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है कि देखिए, चूंकि सिस्टम जो चलता है वो ऊपर से नीचे चलता है, यानी कि देखिए फिजिकल के ऊपर ये फिजिकल लेयर है, इसके ऊपर हमारा होता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर और इसके ऊपर होता है नेटवर्क लेयर। ठीक, इसके ऊपर होता है ट्रांसपोर्ट, तो उसके ऊपर होता है, तो इस तरह से चलता है। अब देखिए डेटा लिंक लेयर से यहां पर डेटा, देखिए ये है डेटा लिंक लेयर, ये है डेटा लिंक लेयर और यहां पर एक डेटा होगा। ठीक है, और डेटा यहां पर जो होगा फ्रेम्स में होगा। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, और जो फ्रेम्स होंगे वो बिट्स स्ट्रीम के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में बनते हैं। देखिए जैसे ये फिजिकल लेयर है तो यहाँ पर बिट्स होंगी। अब यहाँ पर हमको एक चीज पता है कि कंप्यूटर में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो जीरोस और वंस के कॉम्बिनेशंस में होगा, यानी जो भी सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे वो 0 1 1 0 0 0 1 इस तरह के कॉम्बिनेशंस, यानी बिट्स के कॉम्बिनेशंस में सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे। ठीक, अच्छा ये है हमारा सेंडर पॉइंट, ठीक, और ये है हमारा रिसीवर एंड। तो यहां पर सेंडर ये है और रिसीवर ये है। अब ऊपर से नीचे यानी कि डेटा लिंक लेयर से डेटा कहां पर आएगा, फिजिकल लेयर पर, और फिजिकल लेयर से, अब देखिए फिजिकल लेयर में भी यहां पर कोई फिजिकल मीडियम होगा या कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके थ्रू ये ट्रैवल करेगा। अब यहां से फिजिकल लेयर से होते हुए कोई ट्रांसमिशन मीडियम होगा जहां से डेटा ट्रैवल करेगा और ट्रैवल करते हुए रिसीवर पॉइंट यानी डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो सबसे पहले कहां जाएगा, फिजिकल लेयर पर जाएगा, जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स हमने यहां पर देखे वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स यहां पर जाएंगे और यहां से फ्रेमिंग होते हुए डेटा लिंक लेयर पर जाएगा। ठीक है, यहां पर डेटा लिंक लेयर के थ्रू जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर से ऊपर जाएगा यानी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और उसके ऊपर वाली लेयर्स तक जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक हमें पॉइंट्स यहाँ पर समझने होंगे कि किस तरीके से डेटा ट्रैवल करता है, कैसे कैसे डेटा को ट्रैवल कराना पड़ेगा। तो वो सारी बातें अभी हम आपसे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि मान लीजिएगा फिजिकल लेयर पर हमको क्या क्या चीज चाहिए। सो द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ फिजिकल लेयर, द मेन फंक्शनैलिटी of the physical layer is to transmit the individual bits from one node to another node. ठीक है, क्या है main functionality physical layer में, कि जो भी हमको transmission करना है किसका, signals का, या हम कह सकते हैं तो वो कैसे जाएंगे, individual bits from one node to another node. ठीक है, अभी आपको एक picture clear कर देंगे कि node क्या है। ठीक है, नोड मतलब दैट मींस कि डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में हमको कोई भी मैसेज सेंड करना है तो वो फिजिकल लेयर में क्या होगा कि इंडिविजुअल बिट्स जो होंगी वो ट्रांसमिट होंगी। ठीक, दूसरी बात फिजिकल लेयर की क्या, इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, सबसे लोएस्ट लेयर होती है ओएसआई मॉडल की। पहली चीज, इट एस्टैब्लिश मेंटेन्स एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन, बिल्कुल ठीक बात, यहां पर हम कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं और अगर हमको नीड है तो डीएक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, फिजिकल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं जिसके थ्रू हम, यानी जिस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको एस्टैब्लिश करते हैं, उसी को मेंटेन करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे, इट स्पेसिफाइज द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पर हमको नेटवर्क इंटरफेस का स्पेसिफिकेशन भी स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे कि जब हम नेटवर्क, जैसे कि हम जब जो भी हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में डिवाइस होती है नेटवर्किंग के लिए, या हम इंटरनेट के लिए एडाप्टर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्रोसीजरल इंटरफेस होते हैं, उनको हम एस्टैब्लिश करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम फिजिकल लेयर पर ही करते हैं। इसके बाद बात करेंगे लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो इट डिफाइंस, देखिए लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट डिफाइंस द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली, ठीक है। मतलब कि एक या एक दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस हम कैसे कनेक्टेड करते हैं फिजिकल मीडियम में, ठीक है। देन इसके बाद में बात आती है डेटा ट्रांसमिशन। सो डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ, इट डिफाइंस द ट्रांसमिशन मोड, वेदर इट इज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। मतलब हम ट्रांसमिशन मोड क्या रखना चाहते हैं, सिंप्लेक्स मोड रखना चाहते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स रखना चाहते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स रखना चाहते हैं। तो ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जो भी होती हैं, दो डिवाइसेस के बीच में हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये सारी बातें अभी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ में बहुत डिटेल में किया है इसको डिस्कस, लेकिन हम अभी आपको इन शॉर्ट जानकारी दे देते हैं ताकि आपको फिजिकल लेयर की जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देन इसके बाद में हम बात करेंगे टोपोलॉजीज पर। टोपोलॉजीज क्या है, इट डिफाइंस द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज। मतलब टोपोलॉजीज का क्या मतलब होता है कि नेटवर्क डिवाइसेस को हम किस फॉर्म में अरेंज करते हैं। जैसे हमने वहां पर आपको बताया था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम डिवाइसेस को नेटवर्क एरिया में कैसे अरेंज करते हैं, ये मतलब होता है टोपोलॉजीज का, राइट। इसके बाद बात आती है सिग्नल्स की। सो इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ द सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। मतलब कि आप सिग्नल का टाइप क्या रखना चाहते हो, यानी ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन, आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी को दर्शाती हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा एक प्रीवियस क्लासेस में जो हमने कवर किया था वो एक बार इन शॉर्ट आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको फिजिकल लेयर की जो फंक्शनैलिटी है उसको आप समझ पाए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेटा कम्युनिकेशन के सिस्टम और कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए यहां पर एक सेंडर है, यहां पर रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक मैसेज हमको भेजना होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सेंडर और रिसीवर के बीच में हमको क्या एस्टेब्लिश करना है, क्या एस्टेब्लिश करना है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। तो हमको एक फिजिकल मीडियम की नीड होगी और फिजिकल मीडियम को जो कि चाहे वो मैसेज हम जिस जहां से ये ट्रैवल करेगा, जैसे ये मैसेज ट्रैवल करेगा, तो जब मैसेज ट्रैवल करेगा तो उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होगी, चाहे वो ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया कि फिजिकल मीडियम की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमको ट्रांसमिशन मोड भी बताना होगा, कुछ यहाँ पर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ रूल्स सेंडर एंड पर भी और रिसीवर एंड दोनों पर वो लागू होंगे, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स में बताया था, डिटेल में बताया था। तो मुझे लगता है एक बार रिवाइज करा दिया तो आई थिंक कि आपको दिमाग में आ गया होगा। जिन लोगों ने वो मेरी क्लासेस नहीं देखी है, मैं चाहूंगा कि एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लें ताकि आपको जब आप ये समझ रहे होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, राइट। बट हम आपको यहाँ पर इन शॉर्ट रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे कि देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन यानी पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट के बाद में मल्टी पॉइंट क्या है,
ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर कोई एक लिंक दी गई है, एक लिंक के माध्यम से होगा और पॉइंट टू पॉइंट दो डिवाइसेस को हमने एक ही लिंक से कनेक्ट किया है। ये तो पॉइंट टू पॉइंट है। यहां पर दूसरा हमने जो कनेक्शन है वो मल्टी पॉइंट के द्वारा, जैसे कि यहां पर एक और सिस्टम है, एक सिस्टम यहां पर है। अब देखिए यहां पर लिंक जो है, कितने ड्रॉप स्टेशन बनाए गए मैंने, एक दो तीन, एक ही लिंक से तीन ड्रॉप स्टेशन, तो इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको सारी बातें पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसके बाद में आती हैं चीजें, वो क्या है कि कम्युनिकेशन टाइप, या हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन मोड। तो ट्रांसमिशन मोड मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन टाइप नंबर वन सिंप्लेक्स मेथड, नंबर सेकंड हाफ ड्यूप्लेक्स और नंबर थर्ड फुल ड्यूप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या है वो भी अभी हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए सिंप्लेक्स मोड, इन द सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल एज सो द वन स्ट्रीट, मतलब कि डाटा आपका जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव, मतलब कि एक समय में एक ही डिवाइस जो है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक होगी, क्या बोल सकते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि एक डिवाइस एक ही वे में कम्युनिकेशन कर सकती है, चाहे तो जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि डायरेक्शन ऑफ द डेटा ये होगा, ठीक है। ये हमारा है द सिंप्लेक्स मोड, मतलब हम कह सकते हैं इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन द वन डायरेक्शन, दैट मीन्स कि कीबोर्ड होता है या ट्रेडिशनल मॉनिटर्स होते हैं जो कि सिंगल डायरेक्शन में हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए द कीबोर्ड कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, द मॉनिटर कैन ओनली गिव द आउटपुट, ये यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सिंप्लेक्स का है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, मतलब यहाँ पर डेटा जो डायरेक्शन का टाइम है, मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं बट सेम टाइम में नहीं। जैसे मान लीजिएगा एक डिवाइस यहां से कम्युनिकेट कर रही है, जैसे कि ये एक डिवाइस हो गया, दूसरी डिवाइस ये हो गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। When one device is sending, the other can only receive and vice versa. मतलब जब एक डिवाइस यहाँ पर डेटा ट्रांसमिट कर रही होगी तो ये वाली स्टॉप रहेगी, और जब ये वाली कर रही होगी तो ये वाली स्टॉप रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमें मालूम है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी पे क्या होता है कि जब कोई भी एक इंसान ट्रांसमिट कर रहा होता है मैसेज को तो दूसरा वाला नहीं कर सकता है, ठीक है। ये है हमारा हाफ डुप्लेक्स। और मैंने आपको एक और बात बताई थी फुल डुप्लेक्स क्या है। फुल डुप्लेक्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम जो डेटा ट्रांसमिशन है वो दोनों डायरेक्शन में सेम टाइम पे ही कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फोन है, ठीक है, या हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे फोन पे हम लोग सेम टाइम पे दोनों लोग बातचीत कर पाते हैं, तो डेटा ट्रांसमिशन जो है एक समय पर दोनों डिवाइसेस के बीच में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो हमारा ट्रांसमिशन मोड था। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि टोपोलॉजीज क्या होती है। तो अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क विच कंप्राइजेस ऑफ नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइंस वाया सेंडर एंड रिसीवर इज रेफर्ड नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। द वेरियस नेटवर्क टोपोलॉजीज आर, मतलब हम डिवाइसेस को किस तरीके से अरेंज करते हैं, मैंने आपको बताया था बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड, ये मैंने आपको कुछ टोपोलॉजीज के बारे में बताया था। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं तो आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे बस टोपोलॉजी इज नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल व्हेन इट इज हैज एग्जैक्टली टू एंड पॉइंट्स व्हेन इट इज कॉल्ड अ लीनियर बस टोपोलॉजी। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए एक सिंगल लाइन बनाई हुई है, यहाँ पर हमने सभी को कनेक्ट कर रखा है, जितने भी सिस्टम थे उनको कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर इनको हम टर्मिनेटर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। देन इसके बाद में बात करेंगे हम रिंग टोपोलॉजी से, इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी बिकॉज इट फॉर्म्स अ रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर, मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है रिंग के फॉर्म में। सो विद द लास्ट वन कनेक्टेड टू द फर्स्ट, लास्ट जो है वो कनेक्टेड होगा किससे, फर्स्ट से। सो एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर ईच डिवाइस, हर डिवाइस के दो नेबर्स होंगे, ठीक है। देखिए टोपोलॉजीज वाले सेगमेंट को मैंने काफी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाकर के उस क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जनरल बेसिक आइडिया ही दूंगा।
क्लियर। जैसे कि आपको जिन लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड की है उनको एक बार आइडिया, उनको एक बार रिवाइज दे। अब बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सिंगल हब, एक ही हब से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना। सो दिस हब इज अ सेंट्रल नोड, हम इसको सेंट्रल नोड कहेंगे, एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। सो द हब कैन बी पैसिव इन द नेचर, नॉट इंटेलिजेंट हब सच एज द ब्रॉडकास्टिंग डिवाइसेस, ठीक है। सो एट द सेम टाइम द हब कैन बी इंटेलिजेंट नोन एज द एक्टिव हब्स, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्टेड होंगे। इसके बाद बात करेंगे मेश टोपोलॉजी। इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। देखिए यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, हर कंप्यूटर आपस में डिवाइसेस में, यानी कि हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। कोई भी अगर नेटवर्क यहाँ पर फेल भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल यहाँ पर फेल नहीं हो सकता। सो मेश हैज द फिजिकल चैनल टू लिंक एन डिवाइसेस, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे ट्री टोपोलॉजी। तो इट हैज अ रूट नोड, यहाँ पर एक रूट नोड होगा। जैसे मान लीजिएगा ये रूट नोड है, इसके दो पेरेंट, ये चाइल्ड नोड होगा, ये पेरेंट नोड हो गया, फिर इस रूट, फिर देखिए इन दोनों के लिए ये रूट नोड या पेरेंट नोड हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के लिए भी इस, ये जो है वो पेरेंट नोड या कह सकते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी, इट शुड एट लीस्ट हैव थ्री लेवल्स टू द हायरार्की, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो इट इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी विच इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। जैसे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में हमने क्या कहा है, ये बस नेटवर्क, ये स्टार और ये रिंग, इन तीनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो किसी एक सेगमेंट में हमने स्टार कर दिया, किसी एक सेगमेंट में रिंग कर दिया, और किसी एक सेगमेंट में हमने बस टोपोलॉजी कर दिया, और तीनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। For example, if it is an office in one department, the ring topology is used and another star is used. So connecting these topologies will result in the hybrid topology. ठीक है, तो इस तरीके से हमने hybrid topology को समझा, right? अब बात करेंगे types of the communication channel, जो transmission medium हम करने वाले हैं। तो transmission medium भी कैसे होगा, ये मैंने आपको बताया था कि transmission medium के लिए दो तरह की need होती है, दो तरह की need in the sense कि किस तरीके से आप उसको करना चाह रहे हो। नंबर वन एक गाइडेड मीडिया, नंबर सेकंड एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में मैंने आपको केबल्स बताई थी, एक्चुअल में ये केबल्स हैं, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। अनगाइडेड मीडिया में माइक्रोवेव सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्ट रेडियो। देखिए मैंने आपको डिटेलिंग में ट्रांसमिशन मीडिया पर पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, जिसमें गाइडेड मीडिया पर अलग है और अनगाइडेड मीडिया पर अलग अलग है। तो आप अगर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, ताकि मैंने उसमें, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स को अभी रिवाइज नहीं करा सकता, मतलब डिटेल में नहीं बता सकता, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए। जिन लोगों ने लेक्चर देखा है आप लोग उसको जरूर देखिए, मैंने बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें। तो गाइडेड मीडिया में मतलब हम यहाँ पर केबल्स के थ्रू, जो हम एक नोड से दूसरे नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हम क्या कह सकते हैं, केबल के थ्रू या हम फिजिकल मीडियम के थ्रू कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक मैसेज कराना है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा वो क्या होगा, क्लियर। तो ये हम सारी चीजें फिजिकल लेयर पर ही करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक की बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे हम, देखिए फिर से हम बात करेंगे, अब देखिए यहां पर वही बात हम फिर से लेके आते हैं कि फिजिकल लेयर पे जो हम डेटा लिंक लेयर से यहां पर हमारे पास में बिट स्ट्रीम्स आ रही हैं, वो ये आ रही हैं। देखिए जैसे 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0, ये है। तो ये है यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम में हम कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी हम यूज कर रहे होंगे। ये हो गया हमारा सेंडर और ये हो गया हमारा रिसीवर। तो यहाँ पर ऊपर से, यहाँ पर लेयर सिस्टम चल रहेगा, ऊपर से आएगा डेटा लिंक लेयर, यहाँ पर ये, यहाँ से भी मैसेज सिस्टम ट्रेवल करेगा, यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा और फिजिकल लेयर पर ये हमारा होगा, देन इसके बाद में डेटा लिंक लेयर तक जाएगा, देन ऊपर तक जाएगा, जो भी है, क्लियर। तो ये तो हमारा फिजिकल लेयर है। अब हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या होता है, राइट।
चलिए अब बात करेंगे हम डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर क्या है, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिए। नेटवर्क लेयर हमारी थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। तो अब डेटा वहां से यानी कि L3, हमने इसको बोला लेयर 3 से जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, डेटा लिंक लेयर पर आएगा। कहाँ पर आएगा, डेटा लिंक से आएगा। देखिए ये सेंडर है और ये रिसीवर, याद रखें। अब यहाँ पर जो भी डेटा है, देखिए डेटा लिंक लेयर पर ये T क्या है और H क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ये भी आपको बताएंगे, और फिर यहाँ पर जो डेटा का फ्रेम्स या पैकेट्स हम कह सकते हैं, वो पैकेट्स यहाँ पर इंडिविजुअल यानी एक एक पैकेट यानी कि इंडिविजुअल विड्स होंगी, ठीक है, जो ये फिजिकल लेयर पर होंगी, क्लियर। और फिर यहाँ से वही ट्रांसमिशन मीडियम से होगा और यहाँ से ये यहाँ पर ये ट्रेवल करेगा, देन यहाँ पर ये टी, इनका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो डेटा है वो यहाँ से ट्रांसफर होते हुए ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंचेगा, नेटवर्क लेयर तक पहुंचेगा, क्लियर। अब यहाँ पर ये जो टी है इसको पढ़ते हैं हम ट्रेलर और इसको पढ़ते हैं हेडर, ठीक। जो सेंडर एंड पर होगा सेम एज रिसीवर एंड पर होगा। अब हेडर और ट्रेलर क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं। तो फंक्शनैलिटी क्या है, देखिए दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसमिशन, ठीक है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। यहां पर जो है देखिए फिजिकल लेयर पर इंडिविजुअल बिट्स जाती हैं, जबकि डेटा लिंक लेयर पर क्या है, उन्हीं बिट्स के कॉम्बिनेशन से फ्रेम्स बनते हैं, पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा डेटा फ्रेम्स या पैकेट की बात करूंगा, ठीक है। तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स, राइट। नेक्स्ट बात क्या है, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क, ठीक है। क्या डिफाइन करता है कि डेटा का फॉर्मेट नेटवर्क में कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, इट प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। इट प्रोवाइड्स क्या मतलब है, इसकी रिलायबिलिटी है, क्या प्रोवाइड करेगा कि जो कम्युनिकेशन हो वो कैसे एफिशिएंट हो, दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में, राइट। नेक्स्ट बात है, इट इज अ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस। क्या इंपॉर्टेंट रोल है, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इस डिवाइस को दैट रिसाइड्स ऑन द लोकल नेटवर्क, ठीक है, लोकल नेटवर्क के बीच में। अच्छा ये इसके बाद में और इसकी क्या खूबी है, इट कंटेन्स टू सब लेयर, क्या है, टू सब लेयर, इट कंटेन्स टू सब लेयर। नंबर वन लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और नंबर सेकेंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। देखिए लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर में एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीवर दैट इज रिसीविंग। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हम पैकेट को ट्रांसफर कर रहे होंगे नेटवर्क लेयर पे, सो रिसीवर दैट इज रिसीविंग, रिसीवर रिसीव करेगा। नेक्स्ट इट आइडेंटिफाइज द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर, ठीक है। ये यहां पर क्या करेगा, इट आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर, हेडर से ये नेटवर्क लेयर पर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल, ये फ्लो कंट्रोल को भी प्रोवाइड करता है। ये है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, यानी कि डेटा लिंक लेयर में दो सब लेयर हैं, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ठीक है, ओके। अब जो मीडिया एक्सेस लेयर है उसका काम क्या है, तो अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज अ लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क्स फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर के बीच में एस्टेब्लिश करेगा ये। सो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क, ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क, क्लियर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दो लेयर्स हैं यहाँ पर जो काम करती है। अब फंक्शनैलिटी में एक और बात है, फ्रेमिंग क्या होती है, अभी हमने बात की है फ्रेमिंग की, तो फ्रेमिंग क्या है, देखिए फ्रेमिंग क्या है, यहां पर द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नॉन एज फ्रेम्स,
मतलब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिएगा मैंने कहा 1000100, ठीक है, 0, ठीक, ये मैंने कहा। और मैंने मान लीजिएगा कहा 1000000, सपोज है, तो मैंने यहाँ पर ये एक देखिए कुछ बिट स्ट्रीम थी, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मेरा मैंने 8 bits का एक फ्रेम बनाया, ठीक है, फ्रेम बनाया, मान लीजिएगा ये हो गया F1 और ये हो गया F2 और ये इन सभी को मिला देंगे तो एक पैकेट बन जाएगा, ठीक है। सो हम क्या कह सकते हैं, इनटू पैकेट्स नोन इज द फ्रेम्स, जो हम फ्रेम बोले या पैकेट बोले। अब द डेटा लिंक लेयर एड्स द हेडर एंड ट्रेलर टू द फ्रेम, हर फ्रेम में डेटा लिंक लेयर का काम है कि वो हेडर और ट्रेलर को ऐड करेगा ताकि ये बात पता लग सके ये जो ट्रांसमिशन होते हुए आ रहा है वो कहां से हो रहा है, डेटा लिंक लेयर से कर रहा है या डेटा लिंक लेयर पर आएगा, ठीक है। सो हेडर, द हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस, ठीक है, क्या करेगा ये हेडर का काम क्या है, क्या ऐड करेगा फ्रेम में, एक कंटेन्स करता है क्या क्या चीजें, हार्डवेयर डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स एड्रेस क्या है, मतलब बात समझ में आ रही होगी आपको कि यहां पर ये पता चलना चाहिए कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, यानी कहां पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेम कंटेन्स द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस, ये है फ्रेमिंग में जो हम ये हेडर यूज कर रहे हैं, क्लियर, हेडर और ट्रेलर जो हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा पैकेट जो हम ट्रेवल करा रहे हैं। अब बात करेंगे हम फिजिकल एड्रेसिंग की, तो फिजिकल एड्रेसिंग क्या है, द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स अ डेस्टिनेशन एड्रेस, द डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर टू द फ्रेम दैट कंटेन्स डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब फिजिकल एड्रेसिंग में डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होना, जैसे सपोज दैट कि हम एक लेटर जो है लेटर बॉक्स में पोस्ट करने जाते हैं, तो हम वहां पर जब हम पोस्ट कार्ड होता है या हम जो एनवेलप होता है वहां पर सेंडर का एड्रेस साथ साथ में हम डेस्टिनेशन का एड्रेस जहां पर हमको भेजना होता है वहां पर हम भेजते हैं, ठीक है, लेकिन जहां पर डेस्टिनेशन है वहां का एड्रेस डालना मैंडेटरी होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं देंगे तो हम उस पैकेट को ट्रेवल कहां कराएंगे, उसको कैसे हम जान पाएंगे कि वो उस जगह पर हम जहां पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच गया। हाँ, ये हम करते हैं कि अपना एड्रेस भी इसलिए डालते हैं कि सपोज दैट कि कोई चैनल में कम्युनिकेशन में नॉइज आ जाता है या हम कह सकते हैं कि लॉस्ट हो जाता है, तो हमको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि भाई आपका पैकेट उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा किसी ना किसी कारण से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी रिपोर्ट, राइट। लेकिन यहां पर हम फिजिकल एड्रेसिंग की बात ये कर रहे हैं कि डेस्टिनेशन का एड्रेस हम यहां पर डेटा लिंक लेयर पर ऐड कर देते हैं हेडर के साथ में, ताकि जब डेटा लिंक लेयर से ट्रेवल होगा फिजिकल मीडियम पे, फिजिकल लेयर पर, और फिजिकल लेयर से फिर जब रिसीवर एंड पर फिजिकल लेयर के बाद में डेटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो वो ये कंफर्म करेगा कि यस, जो सेंडर ने हमारे पास में एड्रेस आया है वो सोर्स एड्रेस वही है जिस जहां से ये पैकेट आया है, ठीक है। तो ये एक फिजिकल एड्रेसिंग का काम होगा, राइट। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन का जब तक आपको ये बात मतलब पता नहीं रहेगी कि ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो जब यहाँ पर हम कोई भी कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू, तो ये जो है आइडेंटिफाई करे कि भाई यहाँ पर ये डिवाइस, जैसे मान लीजिएगा ये डिवाइस है, तो ये आइडेंटिफाई करे कि भाई डेस्टिनेशन ये है, ठीक है ना, और डेस्टिनेशन भी ये आइडेंटिफाई करेगा कि सोर्स कहां से आया। तो यही फिजिकल लेवल पर फिजिकल एड्रेसिंग का काम होता है कि भाई हेडर और ट्रेलर में वो एड्रेस रखेगा, ठीक है। सो द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन इन द हेडर, राइट। आई थिंक अब आपको ये बात क्लियर बहुत अच्छे से हो गई हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हम फ्लो कंट्रोल क्या होता है। देखिए फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, यहां पर फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर,
इट इज द टेक्निक थ्रू विच द कॉन्स्टेंट डेटा इज द मेंटेन ऑन बोथ साइड सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड. मतलब फ्लो कंट्रोल का मतलब डेटा ट्रांसमिशन रेट कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि किस स्पीड से डेटा का ट्रैवलिंग हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है. सो इट इंश्योर दैट द ट्रांसमिटिंग स्टेशन सच एज द सर्वर विद द हायर प्रोसेसिंग स्पीड डज नॉट एक्सीड द रिसीविंग स्टेशन विद द लोअर प्रोसेसिंग स्पीड. ठीक है, ये इंश्योर करेगा ट्रांसमिटिंग स्टेशन से सच एज द सर्वर, जैसे कि जहां पर सर्वर होगा तो सर्वर मतलब हायर प्रोसेसिंग स्पीड होगी, डज नॉट एक्सीड द एक्सीड नहीं हो सकती रिसीविंग स्टेशन यानी कि विथ लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि रिसीविंग स्टेशन पर भी सेम वे में होना चाहिए कम्युनिकेशन फ्लो कंट्रोल. ऐसा नहीं होगा कि लोअर स्पीड में होगा, वहां पर बहुत हायर है तो वहां पर हम कह सकते हैं फ्लो कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल के लिए भी वही बात है. सो फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शनैलिटी क्या है डेटा लिंक लेयर की, कि वो कॉन्स्टेंट डेटा रेट को मेंटेन करता है. यानी ऐसा नहीं होगा कि एक जगह बहुत हायर प्रोसेसिंग स्पीड, दूसरी जगह पर लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, या हम ठीक है ना. तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पर सेम होना चाहिए, इसी को कहते हैं फ्लो कंट्रोल, कि डेटा का जो रेट होगा वो सेम होना चाहिए. ठीक है, उसी चीज को वो मेंटेन करेगा. सो विच द कॉन्स्टेंट डेटा इज मेंटेन ऑन बोथ साइड. मैं बार बार इस बात को आपके लिए एम्फेसाइज करवा रहा हूं कि मेंटेन किसको करेगा, बोथ साइड किसको करेगा, जो कॉन्स्टेंट डेटा रेट. नहीं तो क्या होगा यहां पर, दैट नो गेट डेटा गेट करप्टेड. नहीं तो क्या होगा कि चैनल में नॉइज आ जाएगा और कुछ ना कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाएगा. जब भी ये चीज होंगी तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक एरर कंट्रोल भी होगा. ठीक है, अब कभी भी डेटा में एरर आएगी या हम कह सकते हैं चैनल में नॉइज आएगा तो उसके लिए एरर कंट्रोल होगा. सो एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय एडिंग अ कैलकुलेटेड वैल्यू यानी सीआरसी, जिसको हम पढ़ते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. यहां पर एक और मेथड यूज की जाती है सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ये चेक करेगा कि जो भी यहां पर हमने फ्रेम को ट्रेवल्स किया है या ट्रांसमिशन किया है वो पूरी तरह से डेस्टिनेशन पर रिसीव हो गया है या नहीं हो गया है. अगर नहीं हुआ है तो वहां पर वो उस एल्गोरिथम का यूज करके उसको एरर फ्री बनाएगा. सो दैट इज प्लेस्ड टू द डेटा लिंक लेयर ट्रेलर. अब ट्रेलर पर यहां पर एरर कंट्रोल होगा, यानी कि हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है और ट्रेलर पर क्या होगा, एरर कंट्रोलिंग होगी. सो विच इज एडेड टू द मैसेज फ्रॉम बिफोर इट्स एंड टू द फिजिकल लेयर. मतलब कि देखिए, मैंने भी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि यहां पर हम देखिए, ये हेडर होगा, ये यहां पर डेटा होगा और ये यहां पर क्या होगा, ट्रेलर होगा. ठीक है, तो हेडर ये सेंडर हो गया, सेम एज द रिसीवर एंड पर हम बात करेंगे कि देखिए ये हो गया हेडर, ये हो गया हमारा डेटा और ये होगा हमारा ट्रेलर. अब हेडर में क्या होगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, ठीक यहां पर होगा. और इस तरफ क्योंकि ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो यहां पर किसका होगा, सोर्स का एड्रेस होगा, होना चाहिए राइट. तभी तो ही पता लगेगा कि डेस्टिनेशन का एड्रेस और सोर्स का एड्रेस सेम, मतलब अलग अलग जगह से कहां से आया है, सोर्स कहां से आया है और डेस्टिनेशन कहां भेजना है. फिर जो डेटा होगा वो सेम होना चाहिए. अब डेटा के बाद में यहां पर ये क्या होता है, ट्रेलर. तो ये यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगाएगा, ये कुछ क्या लगाएगा, एक्स्ट्रा बिट्स लगाएगा, सेम एज यहां पर भी वही एक्स्ट्रा बिट्स आएंगी, ताकि ये भी लगा के भेजेगा, ताकि ये बात पता लगेगा कि जो भी डेटा आया है सोर्स से डेस्टिनेशन पर वो कंप्लीटली यहां पर रिसीव हो गया है. अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां पर क्या यूज करेगा, ये सीआरसी यानी एरर कंट्रोल यहां पर यूज करेगा. फ्लो कंट्रोल यहां पर अलग चीज हो गई. फ्लो कंट्रोल का मतलब ये यहां पर क्या मेंटेन करने वाला है, डेटा रेट कंटेन, जो कॉन्स्टेंट डेटा रेट है उसको मेंटेन करने वाला है दोनों साइड्स पे. जबकि एरर कंट्रोल का मतलब क्या है, ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये सीआरसी के द्वारा अचीव किया जाएगा और ये चेक करेगा जो ट्रेलर हमने लगाया है. ठीक है, ट्रेलर मतलब कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा करके हम फ्रेम के साथ में भेजेंगे, ताकि ये बात पता लग जाए कि डेटा लिंक लेयर से हमारा डेटा आया है फिजिकल लेयर पर. ठीक है, और देन रिसीवर एंड पे भी फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पर जाएगा. ठीक है, तो ये है एरर
कंट्रोल। अब बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एरर कंट्रोल इज अचीव्ड बाय द एडिंग कैलकुलेटेड वैल्यू सीआरसी रिडंडेंसी चेक दैट इज प्लेस्ड टू द डेटा लिंक लेयर ट्रेलर्स व्हिच इज एडेड टू द मैसेज फ्रेम बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल लेयर। मतलब फिजिकल लेयर पर सेंड करने से पहले कुछ ऐड कर देगा ट्रेलर में, ठीक है। सो इफ एनी एरर सीम्स टू ऑकर, अगर कोई एरर ऑकर होती है, देन द रिसीवर सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट, यानी रिसीवर क्या करेगा यहां पर, एक एक्नॉलेजमेंट यहां पर भेज देगा। किसको? सेंडर को भेज देगा, और वो ये बात कहेगा कि जो भी आपने यहां पर डेटा भेजा है वो यहां पर कंप्लीटली रिसीव नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करिए, द रीट्रांसमिशन ऑफ द करप्टेड फ्रेम्स, जो भी फ्रेम्स आपके करप्टेड हो गए हैं उसका रीट्रांसमिशन करिए। ये है सीआरसी, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एरर कंट्रोल में। क्लियर? तो डेटा लिंक लेयर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने आपको बताई है कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल क्या होता है, फ्रेमिंग क्या होती है, और डेटा लिंक लेयर की दो बातें कि जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करेगी, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर फिजिकल लेयर पर। तो यानी कि उसका काम है कनेक्शंस को एस्टेब्लिश करवाना, दूसरी बात फ्रेमिंग को करना, तीसरी बात एरर कंट्रोलिंग देखना, और फ्लो कंट्रोल को मेंटेन करना, ठीक है, यानी डेटा रेट को मेंटेन करना। क्लियर? तो एरर कंट्रोल में हमने आपको क्या बताया, अगर कोई एरर आ जाती है तो क्या करेगा, रिसीवर से सेंड क्या कर देगा, एक्नॉलेजमेंट कर देगा सेंड, ठीक है, और डेटा का रिट्रांसमिशन करने के लिए कहेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम आगे बात करते हैं। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, एक्सेस कंट्रोल क्या है। देखिए एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल, या दो से ज्यादा डिवाइसेस जब सेम कम्युनिकेशन चैनल पर कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, देन द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल आर यूज टू डिटरमाइन विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट अ गिवन टाइम, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होंगी तो क्या होगा, डेटा लिंक लेयर का जो प्रोटोकॉल होगा वो क्या यूज करेगा कि डिवाइसेस हैज कंट्रोल ओवर द लिंक एट द गिवन टाइम, किस टाइम पे हम यहाँ पर मैसेज कहाँ से रिसीव कर रहे हैं और कहाँ से भेज रहे हैं, तो ये उसका कंट्रोलिंग का काम है। इसलिए एक्सेस कंट्रोल तब तक की वो उसको डिनाय रखेगा जब तक कि एक फ्रेम दूसरी जगह पर डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाती है, ठीक है, तो तब तक उस बात को डिनाय करके रखेगा। देन इसके बाद में जैसे ही उसने देखा कि रिसीव सिग्नल यहाँ से रिसीव हो गए तो फिर वो दूसरी लिंक से उसको अलाउ कर देगा। यही है एक्सेस कंट्रोल। आई होप कि अब आपको डेटा लिंक लेयर की जो फंक्शनैलिटी थी वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में मैंने आपके साथ में दो बातें डिस्कस की हैं, एक तो फिजिकल लेयर, ठीक है, एक तो फिजिकल लेयर नंबर वन, और दूसरी बात मैंने आपके साथ में यहां पर क्या डिस्कस की है, डेटा लिंक लेयर की, ठीक है, ये यहां पर क्या किया, डेटा लिंक लेयर, ठीक। डेटा लिंक लेयर में मैंने आपसे दो बातें, एक तो लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल लिंक लेयर LLC बोलते हैं, ठीक है, और यहां पर मीडिया एक्सेस, ठीक है, मीडिया एक्सेस। इसमें मैंने एक और बात आपसे बताई है, एक तो फ्रेम्स क्या होते हैं, दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, ठीक है, तीसरी बात मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि हेडर और ट्रेलर क्या होते हैं, ठीक है, मैंने आपको फ्लो कंट्रोल बताया यहाँ पर, ठीक है, फ्लो कंट्रोल बताया, और मैंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, वो क्या बताया, एरर कंट्रोल, ठीक है, और एरर कंट्रोल में मैंने आपको सीआरसी टेक्निक बताई है जो यूज की जाती है डेटा का रिट्रांसमिशन करने के लिए, या रिडंडेंसी, या जो भी करप्टेड डेटा होगा, फ्रेम्स होंगे, उनको क्या करने के लिए, रिट्रांसमिट करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से हमने आपके साथ में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी को आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा आपने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में नेटवर्क लेयर
डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू।